अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो सोच रहे होंगे कि क्या दिखाने वाला हूँ है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो गांव है उस गांव में एक मशहूर दरबार भी है, जहाँ पे लोग आते हैं, आके अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी एक नई और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मिलेगी, और जो पुराने हैं उनको भी, और जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं दरबार की तरफ ही जा रहा हूँ जो मेरे गांव में है। आप लोग बेचैन हैं कि कौन सा दरबार होगा देखने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस दरबार पे लेके जाऊंगा और उसकी सैर भी करवाऊंगा। तो अभी मैं पहुंचने ही वाला हूँ दरबार के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं दरबार के ऊपर पहुंच गया हूँ, तो मैं आपको अभी दरबार के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ दरबार के अंदर। तो दरबार के अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये है दरबार, ये देखें, ये बाबा। और आप सोचते होंगे कि दरबार का अभी तक नाम नहीं बताया, ये दरबार है बाबा नूरशाह वली के नाम से। तो यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, आगे अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करके जाते हैं। तो उनकी मन्नतें मुरादें भी पूरी होती हैं, जो दूर दूर से आते हैं लोग, आगे अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पे आके मांग के जाते हैं तो पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो जो भी उन्होंने मांगा होता है, देखें वगैरह, जो भी वो सुख मांग के जाते हैं वो अपनी फिर यहाँ पे रख के जाते हैं, पूरी करके जाते हैं। ये काफ़ी अरसा कदीम से है ये दरबार, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितना पुराना है, लेकिन काफ़ी पुराना है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं आपको और इस दरबार में ये भी एक खूस, इस दरबार पे ये भी होता है कि हर साल यहाँ पे लंगर का अहतमाम होता है, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, पिछले साल भी नहीं हुआ अहतमाम क्योंकि कोरोना की वजह से, और इस साल भी अभी तक लंगर का अहतमाम नहीं किया गया। तो जहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, जहाँ पे लंगर वगैरह खिलाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में।
ये दरबार के ऊपर झंडे वगैरह भी लगाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये पौधे अपने हाथ, ये जिस जगह पे खाना खिलाया जाता है, तो ये वो वाली जगह है, ये देखें। ये माशाल्लाह पौधे छोटे छोटे लगाए थे, इनको पानी लगा लगा के बड़ा किया है। ये स्पेशल, ये जो जगह है ये स्पेशल इसीलिए बनाई गई है कि यहाँ पे जब लंगर वगैरह होता है दरबार पे, या कोई मन्नतें मुरादें अपनी लेके जिनकी पूरी होती हैं, वो फिर जो भी खाने के लिए लेके आते हैं, तो उनको इस जगह पे बैठ के वो खिलाई जाती हैं लोगों को। ये नहीं कि इधर के ही लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दराज के लोग जो होते हैं, कोई दूर से, कोई किसी शहर से, किसी और इलाके से यहाँ पे लोग आते हैं, आके अपनी मुरादें और मन्नतें पूरी करके जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन जिन को मेरी वीडियो पसंद आए वो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें। तो आपका भाई, आपका यूट्यूबर सैफुर रहमान, अल्लाह हाफिज़।